एक शहर में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में मनीष अपनी तीन बेटियों के साथ हंसी खुशी रहता था। मनीष का शहर में बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय एक चीज के। मनीष की बीवी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसकी कमी हमेशा उसे महसूस होती थी। मनीष ने अकेले ही अपनी बेटियों को पाला पोसा था। उसकी तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, पर उसकी सबसे छोटी बेटी छाया सबसे सुंदर थी। मनीष अपनी दोनों बड़ी बेटियों से बहुत प्यार करता था, पर सबसे छोटी बेटी छाया को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसका कारण ये था कि छाया जब पैदा हुई थी तभी उसकी माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। मनीष अपनी बीवी की मौत का कसूरवार अपनी सबसे छोटी बेटी छाया को समझता था, इसलिए वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। एक शाम मनीष जब घर आता है वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को आवाज देता है। माया, संगीता, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पापा पापा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, जल्दी से दिखाओ आप हमारे लिए क्या लाए हो। ये देखो संगीता, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर जूते लाया हूँ। मेरे लिए क्या लाए हो पापा, मुझे भी दिखाओ। छाया दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे लगा कि उसके पापा उसे अभी आवाज देकर बुलाएंगे और उसे भी कुछ देंगे। वो इंतजार करती रही, पर उसके पापा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो फिर डरते डरते अपने पापा के पास गई और धीरे से बोली, आप मेरे लिए क्या लाए हो। तुझे इस घर में खाने पीने को ढंग से मिल रहा है ना, तो उसी में खुश रह, समझी? ज्यादा उम्मीद मत लगा और जाकर अपना काम कर। छाया रोते रोते अपने कमरे में भाग जाती है। वो बहुत रोती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। छाया अपने पापा के दिल में भरे गुस्से को प्यार में बदलने की बहुत कोशिश करती थी। वो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, उनके सारे काम करती, पर सब बेकार था। मनीष को छाया पर ना तो कभी प्यार आता और ना ही दर्द। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर काम से जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से घर में रहना। आप कहाँ जा रहे हो पापा, क्या हम आपके साथ नहीं चल सकते? नहीं बेटा, दरअसल वहाँ आसपास काजीरंगा नाम का जंगल है, तो तुम्हें वहाँ ले जाना ठीक नहीं है। तुम लोग घर पर ही रहो और खूब मजे करना। संगीता, माया और छाया उदास हो जाते हैं। उदास मत हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। चलो अब जल्दी से बताओ कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लेकर आऊँ। मुझे एक सुंदर मोतियों की माला चाहिए। मैंने सुना है जहाँ आप जा रहे हो वहाँ के जंगलों में बहुत सुंदर फूल होते हैं, जो बिना पानी और मिट्टी के भी बहुत समय तक ताजा रहते हैं। मुझे वो फूल चाहिए। छाया इंतजार कर रही होती है कि उसके पापा उससे भी पूछेंगे, पर ऐसा नहीं होता और मनीष अपने जाने की तैयारियों में लग जाता है। छाया मनीष का सारा जरूरी सामान बांध देती है। मनीष अगली ही सुबह निकल जाता है। एक दिन के लंबे सफर के बाद मनीष होटल में पहुंच जाता है, जहां उसने अपने लिए कमरा बुक किया हुआ होता है। मनीष कुछ दिन वहीं रहता है और अपने सारे काम खत्म कर लेता है। उसके बाद वो अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए एक सुंदर सी मोतियों की माला खरीदता है। माला खरीदने के बाद मनीष सीधा जंगल की ओर निकल जाता है। वो माया के बताए फूलों को बहुत ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलते। फूल ढूंढते ढूंढते वो जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाता है। अचानक उसे एक बहुत सुंदर और अलग सा घर दिखाई देता है। मनीष धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ता है। उसकी नजर अचानक से उस घर के बगीचे पर पड़ती है, जिसमें माया के बताए हुए फूल लगे हुए थे। मनीष उन फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिर वो खुश हो भी क्यों ना, वो शाम से उन फूलों को ढूंढ रहा था। अब मनीष न करते हुए उन फूलों को तोड़ लेता है और अपने ठेले में भरने लगता है। फूल तोड़ते ही मनीष को बहुत अजीब सा महसूस होता है। आसपास बहुत तेज हवा चलने लगती है और अजीब सी आवाज भी सुनाई देने लगती है। मनीष बहुत ही डर जाता है। वो जल्दी से वहां से भागने लगता है, पर वो अचानक किसी से टकरा जाता है। मनीष गर्दन उठाकर ऊपर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक बहुत खतरनाक भूत खड़ा होता है। भूत, भूत, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत मनीष की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मनीष रोने लगता है। मुझे जाने दो, मेरी तीन बेटियां हैं, वो मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। उनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। उनकी माँ भी बहुत सालों पहले मर गई। तू मुझे पहले ये बता कि तूने मेरे बगीचे से फूल क्यों तोड़े? मेरा बगीचा और उसमें लगा फूल
मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरी बेटी ने इन फूलों का जिक्र किया था और उसी ने इन फूलों को लाने के लिए बोला था। कहाँ है तेरी बेटी, क्या नाम है उसका? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे अपनी बेटी को ला कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मनीष माया की जगह छाया का नाम उस भूत को बता देता है। जल्द से जल्द छाया को मेरे पास लेकर आ, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे बस कल तक की मोहलत दो, मैं छाया को लेकर यहाँ आऊंगा। अगर तूने कोई भी चालाकी की तो ये अंगूठी तेरी जान ले लेगी, इसलिए बिना सोचे अपनी छाया को मेरे पास लेकर आ। मनीष जल्दी से अपने घर जाता है। संगीता, माया, छाया, कहाँ हो? तीनों दौड़ती हुई मनीष के पास आती हैं। इस बार मनीष संगीता और माया की जगह छाया को गले लगा लेता है। दरअसल ये सब उसकी चाल थी ताकि वो छाया को बहला फुसला कर उस जंगल में ले जाकर उस जंगल में छोड़ सके। छाया बहुत खुश हो जाती है, उसके पापा ने उसे पहली बार गले लगाया होता है। बेटी छाया, तुम्हें मेरे साथ अभी कहीं चलना होगा। कहाँ पापा? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। छाया बिना कोई सवाल के अपने पापा के साथ चल पड़ती है। छाया पूरे रास्ते सोचती रहती है कि आखिर उसके पापा उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, पर डांट के डर से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। मनीष छाया को जंगल में लेकर जाता है और छाया भी बिना कोई सवाल किए अपने पापा के साथ चलती रहती है। कुछ देर बाद वो भूत के घर पहुंच जाते हैं। मनीष छाया को उस घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर एक बहुत ही डरावना भूत बैठा होता है। छाया उस भूत को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है। बचाओ, बचाओ पापा, पापा मुझे ये कहाँ ले आए, मुझे घर जाना है, बचाओ, बचाओ पापा। अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा, समझी? मनीष अपने घर चला जाता है। छाया रोती रह जाती है, पर मनीष एक बार भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखता। अब तुझे यहीं मेरे साथ इस घर में रहना पड़ेगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। भूत छाया की एक बात भी नहीं सुनता और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। वो उसे बहुत डराया करता था और खाने को भी नहीं देता था। छाया दिन रात रोती रहती थी। एक दिन उस भूत के पैर में जादुई बगीचे से एक कांटा लग जाता है। वो जादुई कांटा भूत के पैर में बहुत बुरा जख्म कर देता है कि भूत कुछ ही दिनों में ठीक से चलना फिरना भी बंद कर देता है। छाया को उस भूत पर तरस आने लगता है। वो उस भूत के लिए एक मलहम बनाती है और उसके पैर में लगाने लगती है। भूत ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। मैंने इस लड़की को इतना परेशान किया, फिर भी ये मेरे लिए मलहम लेकर आई। भूत को छाया पर बहुत तरस आने लगता है। वो धीरे धीरे छाया को पसंद करने लगता है। अब वो छाया का बहुत जल्द दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सब कुछ बहुत अच्छा था, पर छाया अभी भी बहुत उदास थी। वो अपने पापा और बहनों को बहुत याद करती थी। एक दिन जब वो सबको याद करके रो रही होती है तो भूत उसे एक जादुई शीशा देता है जिसमें वो जिस मर्जी को देख सकती थी। छाया सबसे पहले अपने परिवार को उस शीशे में देखती है और वो देखती है कि उसके पापा बहुत बीमार है। छाया भूत के पास जाती है। मेरे पापा बहुत बीमार है, मुझे उनके पास जाने दो। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता, मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगा। मैं वापस आ जाऊंगी। भूत छाया को उसके घर भेज देता है और उसे एक जादुई फूल देता है जिसे सूंघने से उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाए। छाया अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने बीमार पापा के पास जाती है। पापा, आप कैसे हो? मैंने आपको बहुत याद किया, आप जल्दी से ये फूल सूंघ लो, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मनीष फूल सूंघते ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझ जैसा बुरा बाप किसी का नहीं होगा। मैं तुझे मौत के मुंह में डाल आया और आज तूने ही मेरी जान बचाई है। अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, तुझे यहीं रखूंगा अपने पास। नहीं पापा, मुझे जाना होगा। मैं वादा करके आई हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी, इसलिए मुझे अब वापस जाना होगा। मनीष और उसकी दोनों बड़ी बेटियां बहुत रोते हैं, पर छाया वहां से चली जाती है और उस भूत के पास पहुंच जाती है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम वापस आ जाओगी। मैंने बचपन से कभी अपने लिए किसी के दिल में प्यार नहीं देखा, सिर्फ तुम थे जिसने मुझे समझा, मेरा ध्यान रखा और खुश रखा। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई भूत हो। भूत छाया की ये बात सुनते ही एक सुंदर लड़के में बदल जाता है। छाया ये देखकर हैरान रह जाती है। तुम तो भूत थे,
तुम कैसे बदल गए? दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूँ और मेरा नाम गौरव है। एक दिन मैं इस जंगल में भटक गया, एक भूत ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जादू से भूत बना दिया। मेरा दिल भी भूतों की तरह कठोर हो गया था, पर धीरे धीरे तुम्हारी वजह से मैं बदलने लगा और लगता है बस तुम्हारी वजह से ही उस जादू का असर मेरे ऊपर से खत्म हो गया। क्योंकि उस भूत ने कहा था कि कोई सच्चे और अच्छे दिल वाली लड़की ही तुझे तेरे असली रूप में ला सकती है। छाया और गौरव शादी कर लेते हैं।